सुरसुरी नगर गांव में इमली अपने माता पिता के साथ रहती थी। इमली अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। इमली बहुत ही ज्यादा सुंदर और अमीर, लेकिन इमली में सिर्फ एक ही कमी थी, वह सही ढंग से बोल नहीं पाती थी। वह बोलने में लड़खड़ा जाती थी, इसलिए वह हमेशा उदास रहती थी। अरे इमली बेटी, तुम्हें आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम अच्छे से रेडी हो जाना और उदास मत होना, इस बार रिश्ता हो ही जाएगा। हाँ हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी, बहुत ही सुंदर दिखूंगी, वे लोग मुझे जरूर पसंद कर लेंगे और मेरी शादी भी हो जाएगी। इमली के घर में जब लड़के वाले आते हैं तो वह इमली की सुंदरता देखकर हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि इमली बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वे लोग इमली को एक झटके में ही पसंद कर लेते हैं। लड़के की माँ इमली से पूछती है, बेटी तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। यह सुनकर लड़के की माँ चौंक जाती है और वह समझ जाती है कि इमली तोतली है। तुरंत रिश्ता तोड़कर चली जाती है। इस रिश्ते के टूटने से इमली बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। अरे मेरी प्यारी सी परी बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे। माँ मुझे अब बहलाना फुतलाना बंद कर लो। अरे मेरी प्यारी बेटी, जो तुम्हारी जुबान देखकर तुम्हें नापसंद करे वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं। तुम्हारे गुण इतने अच्छे हैं कि तुम्हें तो कोई राजकुमार ही मिलेगा। आप हमेशा अपनी बात से मुझे मना लेती हो, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, अमीर भी हूँ, लेकिन मेरे तोतले होने के कारण मेरे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अरे वीर बेटा, आज मैं तेरे लिए रिश्ता देखने जा रही हूँ, पर वहाँ तू अपना मुंह मत खोलना। तुम्हें पता है ना, यह 10वीं बार तेरे लिए रिश्ता देखने जा रही हूँ। माँ मुझे पता है, आप मेरे लिए 10वीं बार रिश्ता देखने जा रही हो, और मेरे तोतले होने की वजह से थाली लड़कियों ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। ठीक है माँ, जब मैं लड़की वाले के यहाँ जाऊंगा तो अपना मुंह नहीं खोलूंगा। हाँ मैं बोल दूंगी, तेरा आज मौन व्रत है। उसके बाद वीर अपनी माँ के साथ इमली के घर जाता है। वीर और उसकी माँ इमली की सुंदरता देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इमली बहुत ही सुंदर लग रही थी। वीर को इमली पसंद आ जाती है। अरे बहन जी, आपकी बेटी इमली तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हाँ बहन जी, आपका बेटा भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट है। वैसे आपका बेटा क्या काम करता है? अरे वीर बेटा, तुम क्या काम करते हो? अरे बहन जी, आज मेरे बेटे का मौन व्रत है, वह कुछ नहीं बोल सकता है। मेरे बेटे की एक कपड़े की दुकान और शोरूम है। ओह अच्छा अच्छा, मेरी बेटी ने भी आज मौन व्रत रखा है, वो भी आज नहीं बात कर सकती। हमारे दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी हैं। तो बहन जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, क्या आपको मंजूर है? हाँ बहन जी, मुझे भी यह रिश्ता मंजूर है, आप बस रिंग सेरेमनी की तैयारी कीजिए। इस तरह बिना किसी के पता चले दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। और एक दिन वीर अपने दोस्त से मिलने पार्क में जाता है, तभी उसकी नजर इमली पर पड़ती है। तो वीर इमली के पास जाता है, तभी उसको अपने तोतलेपन की याद आ जाता है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले वापस आने वाला होता है। तभी एक चूहा वहाँ आ जाता है। चूहे को देखकर इमली जोर से चिल्लाती है, अले तुतरी रे तुतरी रे तुतरी, तन्ने रे तन्ने रे ओतली, तू भी तोतली है, तुमने मुझे इंगेजमेंट से पहले क्यों नहीं बताया? तुमने भी
नहीं बताया था। इस तरह दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वह अपने अपने घर वालों को भी बता देते हैं और खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और आनंद पूर्वक खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज यह कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।